बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ हमने, चैप्टर का नेम है वाटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, इम्प्योरिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पानी के बारे में, तो इससे हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये देखा वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, यानी अगर पानी गंदा होगा, वो पीने के काबिल नहीं होगा, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो भी हम ये कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी जो लाइफ है वो भी थ्रेटन्ड होगी। यानी हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिंदा जानदार हैं, उनको सबको पानी चाहिए पीने के लिए, लेकिन साफ पानी चाहिए। अगर आपको पीने के लिए पानी दिया जाए जिसमें से स्मेल आ रही हो या उसका कलर अच्छा नहीं हो, गंदा लग रहा हो देखने में, हम उसे कभी भी नहीं पिएंगे, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी अनफिट होता जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस भी कॉज होती हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आज वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है, अगर पानी के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाए तो वो क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, फिर वो पीने के काबिल नहीं रहता पानी। प्लूटेंट्स भी यहाँ पे टर्म यूज की गई है। प्लूटेंट्स क्या है, वो सारे अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि मौजूद नहीं होने चाहिए पानी में लेकिन उसके अंदर ऐड हो जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, वो प्लूटेंट्स कहलाएंगे। यानी उसके अंदर होने नहीं चाहिए, वो हार्मफुल भी हैं, वो अनवांटेड भी हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये प्लूटेंट्स कहलाएंगे, जो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हम किसकी कर रहे हैं, प्लूटेंट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम डिफरेंट ग्रुप्स में। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है उसमें हम बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। ये ऐसे प्लूटेंट्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग है, इनकी वजह से फिर मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं अगर पानी में ये मौजूद होंगे, क्योंकि ये अनवांटेड है और फिर हार्मफुल भी हैं। अगर पानी के अंदर ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट डिजीजेस काज होंगे। तो ये जो हमारे पास पहला ग्रुप है ये क्या है, डिजीज काजिंग एजेंट्स का है या प्रोडक्ट्स का है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एसिड्स और साल्ट की अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा ग्रुप है, एसिड्स और साल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, उसके अंदर हल हो जाते हैं। जब भी उसमें डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में, तो ये क्या करते हैं, ये एलर्जी की ग्रोथ को मजीद बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा पानी के ऊपर सब्जा सा हुआ होता है, एक ग्रीन सी एक लेयर बन जाती है, एक तय बन जाती है एलर्जी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो एसिड्स और साल्ट्स हैं अगर ये वाटर के अंदर होंगे उसमें ये डिजोल्व हो जाएंगे और फिर ये एलर्जी की ग्रोथ को इन्हांस करेंगे, उसको बढ़ा देते हैं। जितनी ज्यादा ग्रोथ होती जाएगी एलर्जी की, वो एक कवर कर देगी पूरी सरफेस को जहां पे पानी मौजूद है, उसकी वजह से क्या होगा, जो सनलाइट है वो नीचे जो प्लांट्स वगैरह मौजूद हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, उन तक वो नहीं पहुंच पाएगी सनलाइट। जब ये सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, किसकी वजह से, इस एलर्जी की लेयर की वजह से, इसकी तय की वजह से सनलाइट नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, जो नीचे एक्वाटिक प्लांट्स मौजूद हैं वो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी उनकी खुराक नहीं बनेगी, अगर उनकी खुराक नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। उन प्लांट्स की डेथ होने की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स उन पर डिपेंड कर रहे थे उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है ये भी क्या करता है, ये जो एक्वाटिक वहां पे प्लांट्स हैं, एक्वाटिक लाइफ है, जितनी भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये उनके लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये सन लाइट को ब्लॉक कर देगा, वाटर में डिजोल्व होगी, एलर्जी को मजीद ग्रो कर देगा। जो तीसरा हमारे पास ग्रुप है वो कौन सा है, ऑयल है या प्लास्टिक या पेस्टिसाइड वगैरह है। ये भी क्या है, ये सारी चीजें भी, क्योंकि केमिकल्स मौजूद होते हैं इनके अंदर, पानी में अगर चली जाती हैं तो वहां पे जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ये उनके लिए हार्मफुल हैं, उनके लिए भी ये उनकी डेथ की वजह बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्लासिफिकेशन हमने कर ली तीन ग्रुप्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हमने ये बात किया कि वाटर पोल्यूशन कहाँ हो रही है या अभी डिफरेंटली हमारे पास उनके ग्रुप्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले उनका सोर्स क्या है, ये आते कहाँ से हैं ये अनवांटेड या हार्मफुल प्लूटेंट्स, उनके सोर्सेज हम देख लेते हैं। तीन यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मेंशन है, सबसे पहले ह्यूमन वेस्ट,
ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सबसे ज्यादा जितनी भी पोल्यूशन हो रही है, जैसे हम वाटर पोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अगर हम लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं या हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं या नॉइस पोल्यूशन की, जितनी भी टाइप्स हैं ज्यादातर हम किस वजह से हो रही है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो क्या है, ह्यूमन वेस्ट। दूसरा हमारे पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और तीसरा कौन सा है, केमिकल रन आउट यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने खेतों में। ह्यूमन वेस्ट को सबसे पहले देख लेते हैं, जितना भी ह्यूमन वेस्ट होता है लोग करते हैं कि हमको रिलीज कर देते हैं डायरेक्टली ड्रेन्स में। अब जो घरों के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं चीजें, उनमें उस वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा फैट्स होते हैं, किचन से जो भी हम वहां पे डिश वॉशिंग वगैरह कर रहे होते हैं फैट्स ऑयल वगैरह वो बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉयलेट वेस्ट, वो भी जा रहा था उसी पानी के अंदर, ठीक है। फूड के कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं किचन से, वो भी जा रहे होते हैं। डिटर्जेंट्स जो हम सोप शैम्पूज या उसके अलावा फेस वॉश वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं डिटर्जेंट्स, वो भी साथ ही पानी में जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, ये ह्यूमन वेस्ट है। ह्यूमन वेस्ट को फिर ये सारी चीजें उसमें मौजूद होंगी, इनको डायरेक्टली कहाँ पे डाल दिया जाता है, इनको ड्रेन के अंदर नदी उनके अंदर पारिश कर दिया जाता है, वहां से ड्रेन से कहाँ पे चली जाती है, रिवर्स में यानी दरियाओं, ठीक है। अब वहां पे उन दरियाओं से फिर आगे जहां जहां पे वो जा रहा है पानी, या उनके अंदर जो भी वहां पे एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए भी वो हार्मफुल है। उसके अलावा अगर डिफरेंट सोर्सेज जहाँ पे जा रहा है, ह्यूमन खुद भी फिर यूज करते हैं, तो ह्यूमन में भी डिजीज का विकास करता है, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी एक्वाटिक लाइफ है उनके लिए भी ये डेंजरस है। नेक्स्ट हमारे पास है जो दूसरा सोर्स है यहाँ पे, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हमारी जो सनअतें होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां से भी बहुत सारा वेस्ट रिलीज हो रहा होता है, ज्यादातर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके अंदर होता क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनको डायरेक्टली रिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, वहां पे जितनी भी जो आबी मखलूक का जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये इसी ड्रेन की भी वजह बनता है। किस तरह से, इंडस्ट्री से धुआं भी निकल रहा होता है, केमिकल्स निकल रहे होते हैं, स्मोक रिलीज होता है, उसके अलावा टॉक्सिक केमिकल्स वो सारे किसमें जाते हैं, एटमोसफेयर में जा रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो आबी बुखारात के साथ मिलके वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं, वो सारे जो केमिकल जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं मिल के वो फिर एसी रेन बना लेते हैं, एसी रेन की फॉर्म में जमीन पे आते हैं। उसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं वो सारी तबाह हो जाती हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एसी रेन की भी वजह बन रहा है, और उसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन है उसकी भी एक वजह। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, उसके अलावा ह्यूमंस के लिए भी ये डेंजरस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरी जो टाइप है, हमने बोला था केमिकल रन ऑफ, जो फर्टिलाइजर वगैरह हम यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं या पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या है, जो हम स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए हम ये पेस्टिसाइड यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो ये दोनों चीजें भी जो है, जैसे ही बारिश का पानी आता है उसके साथ अगर हमने बहुत ज्यादा मिकदार में डाल दी है अपनी फसलों में, तो बारिश के पानी के साथ ये बह के वाटर सोर्सेज तक चले जाते हैं, वाटर सोर्सेज में फिर ये काम करते हैं वाटर पोल्यूशन। फिर वाटर पोल्यूशन से अल्टीमेटली क्या होगा, वो ह्यूमंस में भी डिजीजेस काज करेंगे और जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके तीन थे सोर्सेज, यानी कहाँ से आ रहे हैं ये पोल्यूटेंट्स होके वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं, वाटर पोल्यूशन की ये वजह बन रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने ह्यूमन वेस्ट की बात की, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, और लास्ट हमारे पास ये है केमिकल रन ऑफ। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना रहा है बुक के अंदर, जिसमें दो टर्म्स यूज की गई है, यानी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। अब सॉफ्ट वाटर से क्या मुराद है, सॉफ्ट वाटर से मुराद ऐसा पानी है जिसे हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, जो सोप के साथ, पानी के साथ अच्छी, जो सोप के साथ यानी साबुन के साथ अच्छी झाग बनाता है। तो ऐसा पानी क्या कहलाएगा, इसको हम सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। यहाँ पे हाउस वाटर जो घरों में आमतौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पानी, वो कौन सा होता है, वो सॉफ्ट वाटर होता है, साबुन के साथ अच्छी झाग बना रहा होता है। लेकिन दूसरी टाइप यहाँ पे जो हमारे पास है वो है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या है, ऐसा पानी जो कि सोप के साथ झाग नहीं बनाता बट कर्ड्स बना देता है, यानी फुटकियां सी बन जाती हैं उसकी, झाग नहीं बनती लेकिन फुटकियां सी बन देती है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हार्ड वाटर कहलाएगा। हार्ड वाटर कौन सा होता है, जो सी वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है। तो इस तरह क्यों होता है, क्योंकि जो सी वाटर है हमने बात की, इसके अंदर बहुत सारे सार्स वगैरह ऐड होते हैं, उन सार्स की वजह से भी जो पानी है ये हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो टाइप्स लिखी हुई थी आपकी बुक में एक साइड बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।